अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुस्तकीम फारूक कादरी। क्या सच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी? आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बिहार के अध्यक्ष जनाब अख्तर इलीमान साहब ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है, देखिए पूरी वीडियो। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि AIMYM ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम दस सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूंकि किशनगंज के पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएं। अब बाकी जो तीसरे चौथे पेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहां तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी आगे उसका निर्णय होगा।